हेलो दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत मिस्टीरियस और विशाल है। हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और हमें हमारी पृथ्वी बहुत मिस्टीरियस और विशाल लगती है, लेकिन हमारी पृथ्वी इस पूरे यूनिवर्स में एक एटम जितनी भी नहीं है। तो जरा सोचिए, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा और उसमें कितने राज छुपे होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक इस यूनिवर्स के 0.01% राज का ही पता लगाया गया है, और उनमें से कुछ ऐसे राज और फैक्ट्स हैं जो शायद आपने भी कभी नहीं पढ़े होंगे। तो क्या है वो फैक्ट्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5, हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मेटोराइट्स यानी उल्का पिंड थे, लेकिन फिर कई गैस एक्सप्लोजन और कंडेंसेशन के बाद हमारे प्लेनेट्स बनने लगे। मिट्टी और रॉक से हमारी पृथ्वी, मरकरी, वीनस और मार्स जैसे प्लेनेट्स बने, और गैस से बने जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। जहाँ तक प्लूटो का सवाल है, वो भी रॉक से बना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लूटो प्लेनेट नहीं बल्कि एक ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है। नंबर 4, हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर हमारी गैलेक्सी में एक और प्लेनेट है जो कि पूरी तरह डायमंड से बना है, जो कि हमारी धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम वहां पहुंच भी जाएं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले टाइम में हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो हमें वहां तक ले जाएगी? आप अपनी बेशकीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नंबर 3, अगर स्पेस में 2 मेटल से बनी चीज कॉन्टेक्ट में आती है तो वो अलग नहीं हो पाएंगी और परमानेंटली जुड़ जाएंगी। इस इंसिडेंट को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों चीजों के एटम्स को ये पता नहीं होता है कि वो अलग अलग चीजों के हैं। पृथ्वी पर कोल्ड वेल्डिंग इंसिडेंट पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों चीजों के एटम ये जानते हैं कि वो अलग हैं, क्योंकि उनके बीच हवा और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं। नंबर 2, केपलर 43b। साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट को पहली बार 2015 में डिस्कवर किया था, जो हमारी धरती से 470 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये प्लेनेट अब तक का सबसे ज्यादा अर्थ सिमिलर प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि उसकी ESI यानी अर्थ सिमिलरिटी इंडेक्स 88% है, और माना जाता है यहाँ जीवन का होना पॉसिबल है। ये अर्थ से 12 गुना ज्यादा बड़ा और विशाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वहाँ भी इंसानों की बस्ती होती होगी? कहना तो मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कई प्लेनेट्स ढूंढे गए हैं जैसे केपलर 452b, केपलर 186f, गलियस 667, इसके अलावा और भी कई। तो हो सकता है कि हमारे अलावा भी इस यूनिवर्स में लोग रहते हों। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारा महासागर इतना बड़ा है कि उसमें हमारी पूरी दुनिया के लोग समा जाएंगे? लेकिन जुपिटर प्लेनेट पर एक महासागर ऐसा भी है जिसमें हमारी पूरी पृथ्वी ही समा जाएगी और फिर भी जगह बचेगी। और ये महासागर पानी से नहीं भरा है, बल्कि ये भरा है प्योर मेटेलिक हाइड्रोजन से, और इसकी डेप्थ यानी गहराई हमारी पृथ्वी के सरकमफेरेंस से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें।